क्या को संबोधित करेंगे श्रीमान तरुण चुग साहब। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, तीस सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अपने प्रवास के लिए आएंगे और ये 3 दिन वो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के अलग अलग वर्गों को मिलेंगे और यहाँ के विकास कार्यों को और अपनी सरकार की गतिविधियों बैठ के मिलेंगे। इस दौरान वो 2 बड़ी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। एक तारीख को सुबह 10 बजे गोरजोरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और 2 तारीख को 10 बजे बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह जी इस दौरान अलग अलग स्थानों पर जाएंगे भी, उसकी विस्तृत जानकारी अगले 2 दिनों में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा मौका है, बड़ा एक उत्सव की तरह हमारे लिए दिन है कि जिनके हाथों से, जिनके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से धारा 370 टूटी, 35 ए टूटा और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आजादी मिली और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका मिला। जिन जंजीरों में यहाँ के लोगों को बांध रखा था, उन जंजीरों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुक्ति मिली है और जिन हाथों से सदन में ये प्रस्ताव पेश हुआ था, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खुद 3 दिन के लिए आ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के, मैंने 2 पॉलिटिकल बड़े कार्यक्रमों की आपको जानकारी दी है। ये दोनों कार्यक्रम क्योंकि कभी यहाँ के एक बहुत बड़ा वर्ग रहा जिसको कभी मौका ही नहीं मिला, एसटी परिवार, एससी भाईचारा, उन सबको मौका देने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ की महिलाएं, उसी तरह जब भी विकास की बात आई है तो रजौरी पुंछ का क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे रह गया, तो गृह मंत्री जी खुद जाएंगे। उसी तरह हम कश्मीर के 10 जिलों की बात करते हैं तो वहां बारामूला वाला क्षेत्र नेगलेक्ट रह जाता है। तो इस बार की उनकी जो फेरी है, उनका जो टूर है, उसमें 2 क्षेत्रों को हमने पकड़ा है। जिस तरह 370 और 35 को टूटने के बाद हमने उन लोगों को, उन वर्गों को पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जिनको 70 साल तक दबा के रखा। यहाँ की बेटियां, यहाँ के एससी भाई, यहाँ के एसटी भाई, बकरवाल, गुज्जर, पहाड़ी, गद्दी ब्राह्मण, एक लंबा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को दबा के रखा गया था, उस वर्ग को भी साथ लेकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। और ये मंत्र जम्मू कश्मीर में भी सबका विकास,
केवल अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज का विकास और अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज की परिवार का ही विकास हो और गरीब गरीब होता जाए, उस मकड़ जाल से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। कोविड की महामारी में 1.5 साल लगभग चीजें काफी रुकी रही हैं, स्लो हो गई, लेकिन इसके बावजूद हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़े। वक्त आने दीजिए, खुद गृह मंत्री जी आ रहे हैं और अपने लोगों से वो मिलेंगे और एक एक चीज की चर्चा। ऐसा है कि चुनावी प्रक्रिया लगातार अपनी गति से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होने के नाते काम कर रहा है। परिसमन हो गया है, वोटर लिस्टों पे काम हो रहा है, सभी से ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन आने के बाद वोटर लिस्टें बन जाएंगी, वोटर लिस्टें बनने के बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वो अपनी गति से चुनाव भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन काम करने वाला दल है। हम यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए 1950 से काम कर रहे हैं, चाहे उस समय हमारा नाम प्रजा परिषद था और प्रेमनाथ डोगरा जी उस समय हमें लीड करते थे, जनसंघ के नाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यहाँ लोकतंत्र के लिए और देश की एकता खंडता के लिए बलिदान भी दिया। इसलिए जम्मू कश्मीर निरंतर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर रहा है और हमने लगातार इस पर काम किया। रही बात 370 और 35 की, वो अब इतिहास बन चुकी है, भारत आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ऐसा है कि मेरे को पूरा यकीन है कि हमने जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉजिकल है, कानून संगत है, इसलिए ये 370 35 से दोनों इतिहास बनी है और इतिहास सुप्रीम कोर्ट अब तो फैसला आया नहीं, आप अपने अगर फैसला आता अगर और फिर मगर के बाद फिर अगर, ठीक है भाई साहब, थैंक यू। और उस दिन उन कामों पर चर्चा भी करेंगे। आज मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जहाँ के एयरपोर्ट्स प्राइवेट प्लेन से भरे हुए, जहाँ आने वाले टूरिस्टों की तादाद कई गुना बढ़ी, चाहे वो माता वैष्णो देवी हो, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा हो, चाहे रघुनाथ मंदिर की यात्रा हो, चाहे इस प्रांत के अंदर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम हो, श्रीनगर हो, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक भगवान की सबसे सुंदर प्रस्तुति है, दिव्य है, सुंदर है, उसके नौजवानों को ना तो जम्मू कश्मीर का नौजवान जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम आता था, ना जम्मू कश्मीर का पानी ना जवानी, दोनों काम किया। अब जम्मू कश्मीर का पानी भी जम्मू कश्मीर के काम आ रहा है, जम्मू कश्मीर की जवानी भी जम्मू कश्मीर के काम आ रही है। यहाँ विकास इंडस्ट्री रेवोल्यूशन लेके आई है, अभी अगले कुछ महीनों में आपको दिखनी शुरू होगी कि भी कितनी तेजी से चीजें जमीन पर उतरी हैं। टूरिज्म अपने आप में एक प्रफुल्लित हुआ है, उन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को टेररिज्म की ओर दौड़ाया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उन्हें टूरिज्म की ओर लाए, उन्होंने पत्थर चलाने वाले पैदा किए,
हमने उन पत्थरों से रोड बनाने वाले नौजवानों को इकट्ठा किया है, डेवलपमेंट करने वाले कश्मीर को खड़ा किया है। अब यहाँ का नौजवान पत्थर का प्रयोग विकास के लिए कर रहा है, यहाँ का नौजवान जम्मू कश्मीर को तेजी के साथ, क्योंकि काफी साल यहाँ विकास रुका रहा, तेजी के साथ ये बढ़ सके, आगे बढ़ सके, भारत के बाकी प्रांतों के साथ कदम से कदम मिला सके, उसका रास्ता मोदी जी ने खोला है। और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद डीडीसी बीडीसी और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र पर मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत। इस मौके पर एक प्रवास के लिए हमें समय दिया है, 30 सितंबर को वो जम्मू पहुंचेंगे और 1 को रजौरी, 1 अक्टूबर को रजौरी में रैली और 2 अक्टूबर में बारामूला में रैली होगी। दोनों रैलीस भव्य रैलियां होंगी, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां होंगी और जिसमें आम जनमानस की जबरदस्त भागीदारी रहेगी।